अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर की हिदायत पर नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू शाहीन बाग की तर्ज पर किसानों के हक में एक दिन का किसान बाग एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में मुस्लिम ख़वातीन व मर्द हजरात के अलावा दिगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत दर्ज करते हुए किसानों के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और दिगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। जैसा हम जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर RSS और मनुवादी सोच के ऐसे लोगों की सरकार है जो इस देश के संविधान से, इस मुल्क की जमहूरियत और लोकतंत्र से कभी भी मोहब्बत नहीं करते थे। इन लोगों ने एक साजिश के तहत 100 सालों में एक ढोंग रचकर लोगों में गए और एक झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में इन्होंने यहाँ शबूल करने का, गुमराह करने का काम किया। और आज वो EVM और तरीके अलग अलग एडवर्टाइजमेंट और कॉरपोरेट अडानी अंबानी का पैसा लुटा कर वो चुनाव जीत कर इस मुल्क के संविधान को खोखला बना रहे हैं। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर कामगार मजदूर तबकों के मुखालिफ कानून बनाए गए हैं, इस मुल्क के अंदर औरतों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, इस मुल्क में दलित पिछड़े SC ST OBC के खिलाफ में उनके आरक्षण को हटाने के कानून बनाए गए हैं, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की नागरिकता खत्म करके अराजकता मचाने के कानून बनाए गए, और अब इस मुल्क के अंदर, अरे ये मुल्क जिनके न्यू पर टिका हुआ है उस न्यू को ही काटने का काम ये मुल्क की सरकार, ये मोदी सरकार कर रही है। और उन्होंने किसानों की जमीनों को लूटने के लिए, किसानों की जमीनों को अडानी अंबानी द्वारा हड़पने के लिए, उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, उनको कॉरपोरेट घरानों के हाथों उनको मजबूर करने के लिए, किसानों के फसल को भाव न मिले इसलिए MSP से अपने कंधे बचाने के लिए, और किसानों द्वारा अनाज खरीदने की पाबंदी से मुक्त होते हुए राशन के जरिए आने वाला अनाज लोगों को देने की जिम्मेदारी से भागने के लिए जो 3 काले कानून बनाए हैं, इन 3 काले कानून के खिलाफ इस मुल्क का, इस देश का किसान लड़ रहा है। और जिस तरह से कुछ अरसा पहले ये कोरोना से पहले इस मुल्क का मुसलमान CA के खिलाफ में लड़ रहा था, शाहीन बाग के जरिए देश के गली से लेकर दिल्ली तक शाहीन बाग सजाकर जो CA का काले कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, आज उसी तर्ज के ऊपर किसानों के इस आंदोलन को ताइद देने के लिए किसान मुखालिफ 3 काले कानूनों के खिलाफ में इस मुल्क का मुसलमान किसानों के साथ कंधा लगाकर शाना बशाना खड़ा हुआ है। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर जितने मुस्लिम नेता कार्यकर्तागण हैं, जितने मुस्लिम सामाजिक संगठन हैं, जितने संगठन दीनी तंजीमें हैं, उलेमा इकराम हैं, इनको साथ में लेकर मुसलमानों की तरफ से किसानों के हक में आज एक दिन का किसान बाग आंदोलन किया है। ये महाराष्ट्र के हर जिले में हो रहा है, उसी तरह नांदेड़ के अंदर भी बड़ी तादाद में नांदेड़ के मुसलमानों ने इसमें शिरकत की है, और ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क का मुसलमान किसान के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। सामंतवादी सोच
हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल फ्रिज कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।